इस गांव का सरपंच होने के नाते हम आप लोगों का दुख को जानना चाहते हैं कि आप लोग आज हमको क्यों बुलाए हुए हैं। मेरी बेटी गांव से तबीयत खराब है, आपके साथ है ये सरपंच साहब। एक छोटे लाल है, वो कभी बीमार भी नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा, इस गांव में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन एक ऐसा लड़का है छोटे लाल जो बीमार नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा सा छोटे लाल जी को बुलाकर जानना चाहेंगे कि छोटे लाल जी क्यों बीमार नहीं पड़ रहे हैं। जाइए, दो आदमी छोटे लाल जी को बुला के जाइए। आइए, जरा जल्दी आइएगा। यही छोटे लाल है। पूछिए इनसे कि ये क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं। छोटे लाल जी, हमारे पंचायत में सभी लोग बुखार, दस्त, उल्टी, पैखाना हो रहा है, लेकिन आप न कभी बीमार पड़ रहे हैं न आप हॉस्पिटल जा रहे हैं। छोटे लाल जी, आपको बताना होगा कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, जब हम बीमारी में पड़ते हैं तो हॉस्पिटल क्यों जाए? घर में जरूरी चीन रखे होंगे, ये जरूर डॉक्टर रखे होंगे, जादू टोना। कुछ नहीं, आप लोग शांत हो जाइए, कुछ नहीं ये सब करते हैं। एक चीज करते हैं, आज हम दिखाने के लिए लेकर आए हैं, आपके साथ लेकर आए, अभी दिखाते हैं आप लोग को। ये कुछ नहीं लाए, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। छोटे लाल, दिखाओ अगर है तो क्या चीज है। देखिए बच्चा के पास है, देखिए निकालो जी, अभी ले लिया था, निकाल, दिखाओ सबको दिखाओ। अरे ये तो साबुन है, साबुन है। हाँ, इसी साबुन की वजह से जो है आज हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं और अस्पताल भी नहीं जाते हैं, साबुन से, समझे। हम एक बात बतलाते हैं आप लोग को कि हम हमेशा जो है गंदे हाथ को साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, तभी तो बीमारी हमारे आसपास भी नजर नहीं आती है। अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने से बच्चों को भी कभी किसी तरह का दस्त, उल्टी पखाना, बुखार, इस तरह से कोई भी बीमारी नहीं होती है, और यहाँ तक कि गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारी भी नहीं होती है। बस करो छोटे लाल, हमको क्या बुड़बक समझते हो? मेरा हाथ तुम्हें गंदा नजर आता है, हम तो रोज पानी, राख और मिट्टी से धोते हैं। वही तो, साफ दिखने वाले हाथ जो है साफ नहीं होते हैं। क्या हम लोगों का हाथ गंदा है, साफ नहीं है? हवा में कीटाणु नजर आती है, नहीं ना? बीमारी नजर आती है, नहीं दिखाई देती है, जब तक साबुन से अच्छी तरह से सभी प्रक्रियाओं से नहीं धोते हैं, तब तक जो है हाथ अच्छी तरह से साफ नहीं होती है। काकी, आप बताओ कि आप कितना बीमार रहती हो, हमेशा आपको हमेशा तबीयत खराब रहता है, और आप भाभी, आपका भी मुन्ना का हमेशा दस्त रहता है, आप बताओ ये सब क्यों होता जानती हो? क्योंकि आप लोग जो है कभी किसी तरह से हाथ साबुन से नहीं धोते हो। अरे नहीं भैया, हम तो साबुन से हाथ नहीं धोते हैं, पर मिट्टी और पानी से जरूर धोते हैं। ये बच्चा को लैट्रिन करवाती है, उसके बाद बिना साबुन से धोए हुए हाथ बच्चा को खाना खिलाने लगती है, इसी कारण से आप लोग बीमार रहती हो। बहुत बढ़िया बात बोला है, पूरे गांव में लोगों को हाथ धोने के लिए सिखा दो, ताकि सारे गांव के लोग साबुन से हाथ धोएंगे और बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आप लोग सीखना चाहते हैं? हाँ, हम लोग सीखना चाहते हैं। चलिए हम बताते हैं, मान लिया जाए हाथ सब आप आगे कीजिए, मान लिया जाए साबुन हम हाथ में ले लिए, ठीक है, साबुन रख दीजिए और इसको धीरे धीरे जो है ऐसे करके रगड़िए, अच्छा तरह से रगड़िए, उसके बाद धीरे धीरे पीछे दोनों हाथों को बारी बारी से कीजिए, अच्छा तरह से धोइए, रगड़िए, उसके बाद ये जो है नाखून को भी अच्छा तरह से रगड़िए, है ना, इससे जो है नाखून के जो है सारी गंदगी निकल जाती है, और उसके बाद जो है
अंगूठा को, क्योंकि अंगूठा सभी जगह काम आते हैं ना, तो इसको दोनों को बारी बारी से अंगूठा को अच्छी तरह से रगड़िए और फिर इसको गोल गोल घुमा के पूरे अच्छी तरह से जो है इसको घुमाइए रगड़िए और इसको जो है यहाँ पे यहाँ तक लेना है आप लोगों को, है ना, यहाँ तक अच्छी तरह से लीजिए रगड़िए और इस तरह से जो है हम लोग अच्छी तरह से रगड़ के उसके बाद पानी से हाथ धो लेते हैं तो हम लोग का हाथ पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ हो जाती है। वाह छोटे लाल वाह, बहुत बढ़िया बात बताया है, अब हम लोग भी इसी तरह से साबुन से हाथ धोएंगे। वाह छोटे लाल, तुम तो सबको बता दिया कि साबुन से हाथ धोना है, साबुन से धोने का तरीका भी बता दिया। पूछिए सरपंच जी, क्या ये सबको साबुन देगा, पूरे गांव को देगा और तुम हमको देगा रोज साबुन? अच्छा एक बात बताते हैं हम, चाची आप बताओ कि आपका जब तबीयत खराब हुआ था तब आपका कितना खर्चा पड़ा था? 1200। आप बताओ कि 1200 रुपए बीमारी में खर्चा हो गया तो आप लोग साबुन तो सस्ता मिलता है तो साबुन में करना चाहेंगे कि बीमारी में खर्चा करना चाहेंगे? साबुन से। अब आप लोग सब लोग साबुन से ही हाथ धोएंगे? हम लोग सब साबुन से ही साबुन से धोएंगे ना। अब बताओ कि इसमें खर्चा हुआ या फिर सस्ता बचत हुआ? बचत हुआ। दीदी तू गुस्सा छो, बोल दीदी लो मेरा साबुन। देख तुम्हारा साबुन मैं क्यों लो, हम खुद साबुन खरीद के ले आएंगे, इतना अच्छा चीज जो बताए। छोटे लाल का नाम आज के बाद बड़े लाल हो गया, आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। सोच करने के बाद और बच्चे को सोच करवाने के बाद खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और घर में सभी को साबुन से हाथ धोने की आदत डालें। एक छोटी सी आदत से अपने पूरे परिवार को जानलेवा बीमारियों से बचाएं और आज ही साबुन खरीद के लाएं और उसे अपना दोस्त बना लें।